ये कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि अब जनता गंभीरता से ले रही है, और जब जनता गंभीरता से नहीं ले रही तो आपको भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस की टिकट सबने एक दूसरे को धक्के में दिलवाई है, सब लोग चुनाव लड़ने से बच रहे थे, और आखिर में उसने कहा वो लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, वो उसने कहा मैं लड़ूंगी तो वो लड़ेगा। ये ऐसे करते करते जैसे बचपन में कहते ना कि माँ मेरी माँ मेरी, जब जब जीत होनी हो तब तो टिकट मेरी मेरी, और अब जब हार होनी सुनिश्चित थी तो फिर माँ तेरी होगी टिकट तेरी होगी। तो ये टिकट जो तेरी तेरी करके ये जो मृग तृष्णा दिख रही है दूर से, ये हकीकत उन सबको पता है कि बहुत जमानत बचाने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे इलाहाबाद में हुआ था। चार तारीख को नॉमिनेशन होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदेश का हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो सब लोग, सबका शेड्यूल बना हुआ है, जो जो उस दिन अवेलेबल होगा वो आएगा, लेकिन हमारे हर बूथ से कार्यकर्ता उस दिन नॉमिनेशन भरवाने आए, उसकी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी उसमें पहुंचेंगे, विप्लव दीप जी की चर्चा है, और सबसे बड़ी बात ये स्थानीय जो नेता है जिनके आशीर्वाद से हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दी है, वो सब वहाँ पर आएंगे और वहाँ सिरसा को जो है भाजपा मई उस दिन कर देंगे,